दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव, दोनों पक्षों में हुआ भीषण टकराव, हिंसा के बीच भारी सुरक्षा बल तैनात। हनुमान जयंती पर निकाली जा रही थी शोभा यात्रा, अचानक पथराव होने से भड़की हिंसा, वायरल वीडियो में धारदार हथियार के साथ दिखे लोग। आरोपी पक्ष ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर लगाया हिंसा के लिए उकसाने का आरोप, धार्मिक स्थल में जबरन घुसने की भी कही बात। हिंसा के दौरान लाठी डंडों के साथ देखे उपद्रवी, पुलिस की मौजूदगी में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। झड़प के बाद सड़कों पर देखी भारी भीड़, कैमरे में कैद हुई पथराव की तस्वीर है, लोगों को रोकने के लिए लगातार पुलिस मौके पर रही। दिल्ली में हुई हिंसा पर पुलिस का एक्शन, हिरासत में लिए गए 10 लोग, दोषियों को दबोचने के लिए गठित की गई 10 टीमें, पुलिस के आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। जहांगीरपुरी मामले को लेकर गृह मंत्रालय सख्त, गृह मंत्री अमित शाह ने दी पुलिस को सख्त आदेश, कहा जल्द से जल्द मामले का निपटारा करें। जहांगीरपुरी इलाके में तैनात आरएएफ के 200 जवान, दिल्ली समेत यूपी पुलिस को भी अलर्ट रहने के आदेश जारी, पुलिस की कई कंपनियां मौजूद। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले केजरीवाल, बयान जारी करते हुए कहा दिल्ली में सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी, दिल्ली में बनाए रखें शांति। पंजाब के 23 किसान संगठनों के साथ सीएम भगवंत मान की बैठक, गेहूं खरीद और एफसीआई की नई गाइडलाइंस पर बातचीत, दोपहर 2 बजे होगी मीटिंग। भारत आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, 21 अप्रैल को गुजरात और दिल्ली का दौरा करेंगे, प्रधानमंत्री बनने के बाद बोरिस जॉनसन का पहला भारत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया जाएगा जोर। असम को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने, तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आईआईटी कानपुर ने जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट, चौथी लहर आने की जताई संभावना, अगस्त के आखिरी तक पीक पर होने की कही बात। दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में लगी आग, राहत बचाव कार्य जारी, दमकल की गाड़ियां बुझा रही आग, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। यूक्रेन रूस में युद्ध लगातार जारी, यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की रणनीति बना रहा रूस। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 975 कोरोना के मरीज मिले, करीब करीब 700 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 4 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 202 नए मामले सामने आए, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 171 मामले। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 186 करोड़ के पार। पूर्व विधायक हरिश्चंद्र हुड्डा का निधन, रोहतक के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पंचकुला में गुरु तेग बहादुर साहेब के 400वें प्रकाश पर्व लाइट एंड साउंड शो को आयोजित करके खेल मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की है। कैथल हैफेड में बड़ा गड़बड़ डाला, लोडिंग ट्रक से 20 क्विंटल गेहूं मिले कम, हैफेड डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद, चेकिंग के वक्त बाइक सवार बदमाशों ने पुलिसकर्मी को मारी गोली, घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतला में 1.5 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार किया, घायल स्थिति में मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया। CIA 2 की टीम के साथ मारपीट की गई है, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल जारी।